अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। मगर वो इसी तरह दो तरह के फकीर होते हैं, एक वो होता है जिसको सुल्तान फकर जिसका तौफीक इलाही देता है, जिसका तौफीक इलाही के वाला जो है वो जहाँ चाहे हजरत मूसा की तरह अल्लाह से कलाम कर ले, आवाज सुन ले, बात कर ले, जो लम्हा बलम्हा उसका अल्लाह ताला से रब्ता होता है। दूसरे को देता है तिफले नूरी, तौफीक इलाही जिसका तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते, सुल्तान फकर का जरा तिफले नूरी उस होगा। बटालवी साहब ने, मैं अकरम बाटे शाह साहब ने, इन्हों की 12 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी तरबियत होती है बातन च, जी गल जी कचहरी से चलो दसया जाता है, समझाया जाता है, हर इमाम हर सहाबी की कचहरी चो बैठा होता है। ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बैत करन तो बाद फिर नवी तालीम देते हैं, इसमें अल्लाह देते हैं, फिर 12 साल तक उन्होंने दसते हैं कि इतों निकल, इस तरह कर, इस तरह कर, इस तरह कर, 12 साल की तालीम तो बाद फिर उनका कोई रूहानी जो है ना मुकम्मल होता है, तिफले नूरी, फिर उनके अंदर एक नूर जो है ना वह बढ़ना शुरू हो जाता है, जी दूसरा तिफले नूरी आ लें जी गल करने जो जुस्सा तो फीके लाई वाला यकदम है डायरेक्ट डायरेक्ट, और जो तिफले नूरी वाला तरबियत है 12 साल जी जी बात आती है। इसलिए कहा गया है ना कि सच्चा फकीर खुदा नहीं होता मगर वो खुदा से जुदा भी नहीं होता। जैसे सूरज की किरणें निकलती है वो आप पर भी पड़ती है, मुझ पर भी पड़ती है, अच्छे आदमी पर भी पड़ती है, बूढ़े पर भी पड़ती है, मगर होती वो सबसे मुबरा और पाक साफ है। ऐसे ही अल्लाह की ज़ात का जो फैज़ है वो उस पर पहुँचता रहता है जो जरा बनवाए। मगर आज दी दे नाले मुकाम हासिल होते, आज दी दे नाल मुकाम हासिल होते हैं, जी गल है इसी तरह ही है, क्योंकि यह जिसम जरा है इनकी ताकत नहीं है, इनकी ताकत नहीं है।